तिलक जी एक और चीज यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगी, हम अपने रिपोर्टर्स तक जाएं क्योंकि लगातार वो भी बने हुए हैं चुनावी कवरेज न्यूज़ ऑल इंडिया पर, लगातार दर्शक देख रहे हैं, उत्तराखंड वासी देख रहे हैं। आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कुछ साइलेंट वोटर्स ऐसे हैं जिनको हमें देखना बेहद जरूरी है, जो बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट से पहले से ही मतदान जो है वो कर देते हैं। ऐसे में आपने सैनिकों का जिक्र किया था, अगर कर्नल अजय सिंह कोठियाल की मैं बात करूँ तो एक चेहरा वो हो सकते हैं सैनिकों के लिए, आम आदमी पार्टी से हैं, तीसरा विकल्प, और ये इतिहास रहा है उत्तराखंड का कि पार्टी रिपीट नहीं करती यहाँ की जनता। बिल्कुल, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, और पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का वोट लेने के लिए हर राजनीतिक दल उतावला दिखाई देता है। जो साइलेंट वोट आपने कहा ना, साइलेंट वोट देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साइलेंट वोट का मतलब ये होता है कि महिलाएं, साइलेंट वोट मतलब महिलाएं। और ऐसे में जिस सीट का जिक्र अभी पुष्कर कर रहे थे हमारे सहयोगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार देख रहे हैं आप, शहजाद भी डटे हुए हैं, केशव भी डटे हुए हैं, और पुष्कर जिस सीट का जिक्र कर रहे थे, मैं बद्रीनाथ सीट का एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी हाल ही में हमने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपके बद्रीनाथ के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी साहब का इंटरव्यू किया। भंडारी साहब कौन पुष्कर जी? भंडारी साहब वो जो सतपाल महाराज के शिष्य हुआ करते, सतपाल महाराज के शिष्य हुआ करते थे, और जब चुनाव जीते का जो भंडारी जी निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते, कांग्रेस माइंडेड और सरकार को समर्थन दे रहे खंडूरी की बीजेपी सरकार को, और जब ये पहली बार चुनाव जीते तब उसके बाद मंत्री भी बने, इनको मिला खेल मंत्रालय, और सियासत के ये खिलाड़ी भी रहे और सियासत के खिलाड़ी भी बन गए, सियासत के खिलाड़ी बने। तो मैंने इसलिए जो है पुष्कर से पूछा कि इस बार बद्रीनाथ का मिजाज क्या है, क्योंकि बहुत कुछ राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक भविष्य पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। और ऐसे में जब उनसे हमारी बात हुई तो बोले, तिलक भाई मेरी लड़ाई तो, पुष्कर जी क्या बोले, मेरी लड़ाई तो तब भी गैरसैंण को लेकर थी और आज भी गैरसैंण को लेकर है, और गैरसैंण को लेकर ही मैं लड़ता रहूंगा। तो जब सत्ता में थे तब गैरसैंण को लेकर क्या कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन हर किसी को क्रेडिट चाहिए कि गैरसैंण का पत्थर मैंने लगवाया। इस बार भी कुछ गैरसैंण का इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको वहां पर? बिल्कुल, देखिए तिलक, मैं आपको बता दूं कि जो मेनू फेस्टिवल होता है कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आपका आम आदमी पार्टी का हो या यूकेडी पार्टी का हो, केवल कांग्रेस पार्टी ने ही जो है लोकायुक्त को और आपका जो है गैरसैंण को जो अपने फेस्टिवल में मेनू फेस्टिवल में रखा गया है, लेकिन बाकी और अदर पार्टियों ने किसी ने नहीं रखा है अपने मेनू जो उनका घोषणा पत्र है। हाँ, हालांकि जब राजेंद्र भंडारी आपने कहा खेल मंत्री बने हुए थे, जब नंदप्रयाग विधानसभा एक सीट होया करती थी हमारी, लेकिन अब जाके जब 2002 के बाद का जो इलेक्शन हुआ, एक बार कांग्रेस से जीते हैं तो एक बार निर्दलीय जीते हैं, हालांकि उनके विकास के मुद्दे को लेकर जो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे, चाहे गैरसैंण को लेकर हो, चाहे आपका जो बीटेक जो पटियालसैंण में खोला गया है उसको लेकर हो, या आप नर्सिंग कॉलेज जो है पटियालधार में जो बन रहा है यहाँ पे जो, उसको लेकर जो है जनता के भी जा रहे हैं। हालांकि जो पिछली सरकारें हों या पिछले जो विधायक हों उनके कार्यकाल जो उत्तराखंड की जो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार जनता के बीच लेके जा रही थी। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों, चाहे आप बन्ना विधानसभा की बात करें या थराली विधानसभा की बात करें या कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करें, तो दोनों में आपसी टक्कर है, आपसी रंजिश हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन हमको ऐसे देखने को मिला कि जैसे कभी प्रधानों का इलेक्शन होया करता था कि भाई भाई को नहीं पूछ पा रहा है कि मैं कांग्रेस का हूं या मैं विधायक ये मैं भाजपा का हूं। हालांकि 2022 का जो इलेक्शन होगा, 2022 का जब रिजल्ट आएगा, 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, जनता किसे अपना समर्थन देती है, जनता किसे किसको अपना वोट देती है, तो ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आज जिस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो पोलिंग बूथों पे आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि मतदान प्रतिशत जो है जनपद चमोली का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का बढ़ने में देखने को हमें मिलेगा शाम 6 बजे तक।